तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में कमलदीप जी के साथ हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। जी हाँ, वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है वेरिएबल्स, चलिए पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम चीज को जानते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। देखिए, वेरिएबल्स इसे आप लोग देखा होगा कई बार लिखते हुए कि डिम आर एज ए लॉन्ग, आई एज ए इंटीजर वगैरह वगैरह, राइट। खासकर इंटीजर ज्यादा देखा होगा, लॉन्ग कम ना। तो जो R है, R एक temporarily saving location है, जहां पे आपका Excel डेटा स्टोर करता है। अब temporarily क्यों है, क्योंकि ये location सिर्फ इस माइक्रो के रनिंग पीरियड के लिए क्रिएट होता है। अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे 30+20 करना है। अब 30+20 आ गया, तो जो 50 हुआ रिजल्ट, वो 50 आखिर स्टोर कहाँ पे होगा? 50 को स्टोर कहाँ करेंगे? तो यहाँ जो है हमें दो चीजें हो सकती है। एक तो हम रेंज लेंगे कि रेंज A1.value इक्वल टू A। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर रेंज A1 जो है ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फिक्स हो जाएगा ना सर। हाँ, किसी पर्टिकुलर उसमें जाएगा ये। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का रेंज को यूज करें, हम नहीं चाहते हैं किसी तरह के रेंज को यूज करना, क्योंकि वो थोड़ा फ्री नहीं है। तो यहां पे हम लिख देते आप, और फिर जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ती है वहां MSG बॉक्स, और यहां पे हम आर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आ गया सर 50 50 आ जाएगा। तो अभी अभी हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। देखिए, आप डिफॉल्ट डिक्लेरेशन नहीं करते, डिफॉल्ट वेरिएंट में चला जाता है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे डिम मतलब डायमेंशन, आर के जगह पे कोई भी ले लीजिए, ABCD से मैंने कर देता हूँ बी, और टाइप कौन सा टाइप है। तो जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया बाइट, तो ये हुआ कि सिस्टम के डायमेंशन में बी नाम का, सिस्टम के डायमेंशन में बी नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट हुआ, ठीक है। और वो जो है बी नाम का डेटा हुआ, उसका टाइप जो है बाइट है, वो बाइट डेटा को रखेगा। तो यहां पर हम लिख दिया डिम बी एज ए बाइट। उसी तरह से यहां अब बी एज ए बाइट किया, और क्या क्या होता है देख लेते हैं। डिम बी एज ए, बोले बोले ये क्वेश्चन था कि जैसे पहले हमने आर आर कोई वेरिएबल लिया था, कोई डिफॉल्ट टाइप भी होती है कि अगर हम कुछ भी ना ले तो वो डिफॉल्ट रहेगा? हाँ, वेरिएंट, इंटीजर, डिम एल एज ए लॉन्ग, डिम बी एज ए डबल, फिर यहां पे आता है डिम टी एज ए स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए, और डिम डी टी एज ए डेट, डेट एंड टाइम होता है, डेट होता है सर। इतनी चीजें कैसे याद कर पाते हैं कि डेट है, ये स्ट्रिंग है? सर, उस टाइम से पता चल जाता है ना, मैं बताता हूँ सिचुएशन है इसकी, याद करने का तो याद नहीं होता है, मैं याद सिचुएशन के हिसाब से होता है। अब देखिए जो बाइट है ना, हमने बी एच ए बाइट किया, तो बाइट क्या करता है, ये आपका 0 से लेके 255 तक का नंबर को लेता है विदाउट डेसिमल। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको जरूरत पड़ा कुछ इनपुट लेने की, राइट, यस, और इनपुट में आप चाहते हैं कि 255 से ज्यादा ना ले, डेसिमल में ज्यादा ना ले। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिया कि डिम बी एज ए बाइट, अब यहाँ पे बी इक्वल टू अगर किसी ने 25.36 कर दिया
एमएसजी बॉक्स बी। लेकिन तो सो क्या होगा पता है आपको, सो 25 ही होगा, 25 ही होगा। अगर किसी ने इसमें मान लीजिए कि 600 डाल दिया तो क्या होगा, ओवरफ्लो का एरर आएगा, समझे? अब मान लीजिए कि मुझे ट्रू, अब यहां जो बीएल जो होता है, बीएल इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स होता है। अब मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए। जैसे होता है ना इज टेक्स्ट, आपने देखा होगा फॉर्मूला, इज टेक्स्ट का फॉर्मूला एक्सेल में होता है जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स होता है, टेक्स्ट वाला ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो आपको भी ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि कुछ चीजें चेक करवानी है, अगर चेक हो गया ओके है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे एंड और फॉर्मूला भी करती है। हाँ हाँ सही तो बात, उस सही केस है में जो वेरिएबल चाहिए अभी चाहिए। अब आई जो है वो, अब देखिए ए जो है बुलियन जो है माइनस प्लस, बाइट जो है माइनस में नहीं लेता है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर लेगा और होल नंबर लेगा। अब इंटीजर जो है वो भी आपका जो है डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता, बट ए माइनस 32,000 समथिंग से प्लस 32,000 तक का नंबर लेता है। तो अगर आपको माने कि छोटा नंबर है, विदाउट इंटीजर है और आपको माइनस भी हो सकता है, तो आप इंटीजर यूज करोगे। सही है। आपका माइनस प्लस दोनों नंबर है लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, तो एवरी टाइम हम लॉन्ग लेंगे। हाँ, अगर आपको डेसिमल भी है, बहुत बड़ा नंबर भी है और साथ में डेसिमल भी है, तो डबल लेंगे। अगर आपको किसी तरह का टेक्स्ट चाहिए करना है, सुजीत इंस्टॉल करना है, तो हम देंगे स्ट्रिंग। और अगर आपको डेट चाहिए, डेट डालना है, अब जैसे डेट हम डाल रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, डालना है ना सर, इन्वर्टर कॉमा लगाया था टेक्स्ट फॉर्मेट में, लेकिन डीटी उसको कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और V के ऊपर अब जैसा डालोगे वैसा होगा, छोटा डालोगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा डालोगे तो बड़ा होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, वेरिएंट है, ऑल राउंडर हो गया कपिल देव की तरह, ये बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, कीपिंग भी कर लेगा, कप्तानी भी कर लेगा, वेरिएंट ले तो कुछ भी हर चीज में ओके है वो। जी अब क्वेश्चन फिर हमेशा हम वेरिएंट ले लें। इसी पॉइंट पे मैं आता हूं कि हर बार हर टाइम जब हम वेरिएबल्स लेते हैं ना, तो हमारे मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर क्रिएट अक्वायर होता है। जैसे बाइट जो है 2 बाइट को अक्वायर करता है, बुलियन भी 2 बाइट करता है, इंटीजर 4 बाइट करता है, लॉन्ग 8 बाइट करता है, डबल आई थिंक 8 या 16 बाइट करता है, स्ट्रिंग मिनिमम 8 बाइट और डिपेंडिंग टेक्स्ट साइज, उसके बाद डेट आई थिंक 4 बाइट करता है, वेरिएंट सबसे ज्यादा 32 बाइट्स करता है। अब बोलोगे तो 32 बाइट ही तो है, हमारा जो सिस्टम है वो तो, जैसे मेरा 20 GB का रैम है, 1.5 TB का हार्ड डिस्क है, तो क्या फर्क पड़ता है 20-22 बाइट से, 32 बाइट से क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये आपका जो एक माइक्रो है, जैसे एक सब्जेक्ट डिपेंड किया ना, RR हमने किया, या फिर ये जो माइक्रो बनाया, इस माइक्रो का एक लिमिट होता है साइज की, ये 255 KB से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपकी माइक्रो की साइज 255 KB से ऊपर गया तो क्या होगा, आपको प्रोसीजर टू लार्ज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर छोटे मोटे माइक्रो बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल है, ठीक है। तो पहले कंडीशन समझ में आ गई कि हम क्यों वेरिएंट ना लेंगे हमेशा। दूसरा आता है कन्वर्जेंस। अब जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, हमने बाइट कर लिया ना सर, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है ना, आप 75 कर देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ तो क्या हो रहा है, 26 आ गया। तो लॉन्ग इंटीजर बाइट तीनों में यही होगा, अगर मैं लॉन्ग भी करता हूँ तो ये कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लीजिए मुझे किसी का इनपुट मिला है, अगर आगे मुझे उसको राउंड करके यूज करना है, तो फिर अगर हम वेरिएबल वेरिएंट ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, वैलिडेशन।
जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया इसको, मान लो इसको लॉन्ग दे दिया, और लॉन्ग देने के बाद अगर किसी ने इसमें टेक्स्ट इंट्री कर दिया तो क्या दिखाएगा? एरर, टाइप मिसमैच। तो एक वैलिडेशन हो गया ना हमको कि भाई मेरा जो है नंबर है तो मुझे नंबर से ही आगे प्रोसीड करना है, अगर किसी ने टेक्स्ट डाल दिया तो आगे ना चले। इसमें आपका इफ कंडीशन लगाने का टाइम बच गया ना सर, बिल्कुल। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो एक पहला फैक्टर करता है साइज और दूसरा फैक्टर करता है कन्वर्जेंस। जैसे डेट के देख लीजिए, अगर मैं यहां पे वेरिएंट ले लूं तो फिर इसको डेट नहीं समझेगा सर, इसको टेक्स्ट नहीं तो टेक्स्ट समझेगा। तो इसलिए वेरिएबल्स लेते हैं। और वेरिएबल्स लेने का कारण एक चीज और भी है, सिंपलाइजेशन। ठीक है, अब सिंपलाइजेशन में आपको एक एक माइक्रो में बना रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। जैसे यहां पे मेरे पास कॉस्ट है और मुझे यहां इस पे एमआरपी निकालना है, राइट? ठीक है, तो चलिए इसकी हम माइक्रो बनाते हैं, फंक्शन फॉर्मूला नहीं बनाते, ये बनाते हैं कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे दिया निम सी एज ए लॉग, सी इक्वल टू रेंज ए टू डॉट वेल। ठीक है, उसके बाद मुझे इस पे कैलकुलेशन करना है, तो डिम नहीं, यहाँ पे सी नहीं चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग नहीं, मुझे यहाँ पे डबल चाहिए आर, एक ही से काम चल जाएगा सर, डबल। तो यहां पे हमने कर दिया आर इक्वल टू ए हो गया। फिर अगेन यहां करते हैं आर इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 0.15%, मतलब कि 5% मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपनी कमीशन लेता है और कॉस्ट पे ऐड कर देता है, और किसको दे देता है? होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है कि अपनी खरीद पर 10% का 0.10% का कमीशन लेता है और अपने खरीद पे जोड़ के किसको दे देता है? रिटेलर को दे देता है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये आप मैं इसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, एंड होलसेलर क्या किया, अपने खरीद पर 15% यहां 15% का कैलकुलेशन किया और ऐड करके दे दिया होलसेलर को। होलसेलर ने अपने खरीद का 20%, जी हाँ 20% निकाला और ऐड करके दे दिया किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, सॉरी ऐसी कंज्यूमर को। तो फाइनली जो होगा रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। मैं इसको रन करता हूं तो रिजल्ट आपके सामने है। अब सोचिए मैं वेरिएबल इस्तेमाल ना करता, अब मैं इसी चीज को विदाउट वेरिएबल करता हूं, ठीक है ना? ठीक है, तो कोड कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा देखिएगा। अब जहां जहां आर है उसके जगह पे मुझे ये डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं सर? दिख रहा है सर? ये तो चलिए एक एक रेंज है इसलिए इतना हो सकता है, लेकिन मान लीजिए यही अगर 10 20 50 रेंज होता, 10 रेंज मान लीजिए 10 रेंज होता तो ये कितना लंबा लाइन हो जाता सर? ठीक है, फॉर्मूला तो देखो वैसे भी लिखना पड़ेगा, लेकिन व्हाट डज मेक डिफरेंस कि जो b2 के ऊपर डॉट वैल्यू डाल रहे हैं या फिर c2 d2 कुछ भी हो सकता है, वहां पे खाली हम r दे रहे हैं पहले वाले में, लेकिन इसके अंदर हमें कोई रेंज देनी पड़ रही है। अभी तक क्या ना सर कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे सिर्फ,
इसलिए सही है, मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी। जैसे कि एक फॉर्मूला आपके यहाँ पर है ना, ये फॉर्मूला मान लीजिए एक फॉर्मूला है इसका, अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, समझे? अब क्या लगता है ये फॉर्मूला आपको इजीली लग जाएगा? कैसे लगेगा? देखिए तो इसके लिए इस फॉर्मूले में लगाना है हमें, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग चलते हैं, तो क्या करना होगा देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे डिम डिफाइन करेंगे कि डिम पी कॉमा आर कॉमा ये कैसे किया सर फिर आपने कि ये लिखा भी रह गया और आप काम भी कर रहे हो? ये मैं इसका जूम कब आया, जूम का ड्राइंग बुक ला दिया, वो रहता है सर। ठीक है, ये एक साथ का कोई इसका रोल नहीं। ओके अब यहाँ पे देखिए मैं एक साथ कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, कर दिया ना लेकिन सर? ये अच्छा सारे हाँ पी आर एन में एस लेकिन बी हाँ सारे एक ही कास्ट के होंगे, अलग अलग करना है तो फिर अलग करना पड़ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे देखिए पी इक्वल टू 50,000, या किसी रेफरेंस को ले लीजिए, कोई रेफरेंस ले लीजिए, यहाँ पे हो सकता है रेंज बुक टू बुक थ्री का रेंज सीट वगैरह कुछ भी हो सकता है कोई ना, भी हाँ कुछ भी हो सकता है 0.5% 30 हो जाएगा 0.5, और टी इक्वल टू 5 ईयर और एन इक्वल टू 12। अब सिंपल सा ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई पी वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, पावर का ये ऑप्शन होता है पावर का इसको ब्रैकेट फिर में हाँ इसको इसको एन ब्राइकेट में रखना होगा यहाँ पे, को इसको एन तक एन तक एन तक नहीं, यहाँ इसको वन पर यहाँ एक एक करना पड़ेगा, वन कैलकुलेशन वन डिवाइड बाई एन फिर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है? अब इस मेथड पे चलते हैं तो कितना कंफ्यूजन होता है सर, होता है ना सर? तो इसमें सिंपलाइजेशन के लिए भी करते हैं इसका यूज। देखो सीधी सी बात है कि पहले पी 5000 जितनी भी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं रेंज तो है ही ऑलमोस्ट, जी लेकिन पहले हमें वो रेंज रेंज पे जाना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर वो आर की रेंज पे जाना पड़ता है, एन की रेंज पे होता फिर वो यहाँ सिंपली हम वर्ड ले लिए तो समझ में भी आता है ना, यहाँ पे समझ में भी आ हाँ रहा है, कल के डेट में अगर चेंजिंग वगैरह करना हुआ तो हम उसको इजीली चेंज भी कर सकते हैं। रेंज में भी जाने की जरूरत नहीं है ना कहीं पे जी भी जी अब जी जी सीधा बस अगर मुझे ये डेटा आउटपुट चाहिए तो बस मुझे ए को कॉल करना है जी हाँ जी ठीक है। ठीक है सर अब मैं आपको एक वीवीए बुक जो है आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है सर